जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेरा। उत्तराखंड और नेपाल के बाद अब मैं हिमाचल की जातियों के इतिहास पर बात करूंगा और उसके बाद डुग्गर प्रदेश यानी जो डोगरा क्षेत्र है या जो जम्मू में भी है कुछ हिमाचल में, और इस बार हिमाचल के ब्राह्मण पर बात करते हैं। हिमाचल के ब्राह्मण कौन? मुख्य तौर पर तीन तरह के ब्राह्मण हिमाचल में, इसी पर मैं बात करूंगा। लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। भारतीय सेना में सबसे पहला परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले सेनानी मेजर सोमनाथ शर्मा हिमाचल प्रदेश के ब्राह्मणी थे। वे कांगड़ा जिले के डाढ़ क्षेत्र से थे। मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत देश का पहला परमवीर चक्र दिया गया था। बाद में उनके भाई जनरल बीएन शर्मा भी भारतीय सेना के अध्यक्ष बने थे। हिमाचल प्रदेश का नाम रखने वाले आचार्य दिवाकर दत्त शर्मा, हिमाचल रियासत प्रजा मंडल आंदोलन के संस्थापक सदस्य और हिमाचल प्रदेश के पहले गृह मंत्री पंडित पद्मदेव समेत बहुत से नाम ऐसे हैं जिन्होंने हिमाचल के निर्माण में अपना योगदान दिया है। इसी तरह साहित्य के क्षेत्र में पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी को सभी जानते हैं कि उन्होंने मात्र तीन कहानियां लिखी और उनमें से एक कहानी उसने कहा था को लिखकर वे हमेशा के लिए अजर अमर हो गए। वे भी हिमाचल मूल के थे। हिमाचल प्रदेश के दो बार मुख्यमंत्री रहे शांता कुमार या भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा भी इसी ब्राह्मण समाज से हैं। हिमाचल प्रदेश में ब्राह्मणों की जो आबादी हो लगभग 20-25% है। हिमाचल प्रदेश के मौजूदा उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री भी ब्राह्मण समाज से हैं। हिमाचल प्रदेश में लगभग 4000 साल पहले से सभ्यता फूलने फलने लगी थी। हिमाचल की तलहटी में सिंधु घाटी सभ्यता के भी प्रमाण मिलते हैं। हिमाचल की उत्तरी सीमा की तरफ के क्षेत्रों में बौद्ध सभ्यता दिखती है और वहाँ पर वैदिक सभ्यता का कम प्रचार हो पाया, जबकि हिमालय की नीचे की तलहटियों में वैदिक सभ्यता फलती फूलती रही है और इसी समाज में ब्राह्मण समाज मिलता है। वैदिक कार्यों के हिमाचल प्रदेश में पहुंचते ही ब्राह्मण भी वहां पहुंचने लग गए थे। यदि हम पौराणिक काल की बात करें तो भगवान विष्णु के अवतार भगवान परशुराम भी हिमाचल प्रदेश के ही निवासी थे। लेखक पद्मचंद्र काश्यप अपनी पुस्तक भारतीय संस्कृति और हिमाचल प्रदेश में लिखते हैं कि हिमाचल के लोगों की संस्कृति और सभ्यता वैदिक कार्य है, किंतु जातीय तत्वों के आधार पर वे पूर्णतः वैदिक जन नहीं हैं। उनमें अधिकतर मिश्रित तत्व हैं और यह बात समाज के सर्वोच्च वर्ग ब्राह्मणों पर भी लागू होती है। हिमाचल के ब्राह्मणों को मौलिक जातीय आधार पर हम तीन वर्गों में विभक्त कर सकते हैं, खश, नाग और देश के अन्य भागों से आए ब्राह्मण। यानी इस तरह हम कह सकते हैं कि हिमाचल में जो ब्राह्मण हैं वे वैदिक ब्राह्मण हैं, इनके अलावा खश ब्राह्मण भी हैं और नाग ब्राह्मण भी हैं। जैसे कि पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि हिमालयी समाज कैसे बना है, और उसी तरह हिमाचल में भी जैसे कि उत्तराखंड हो या और क्षेत्र, वहाँ पर भी प्राचीन जो कोल, खस, नाग आज जो जातियाँ थी, बाद में वे इस बृहत हिमाचल समाज का हिस्सा बन गई जिसमें वैदिक कार्य भी शामिल हैं। हिमाचलों में ब्राह्मणों के मुख्यतः दो केंद्र हैं, प्रसिद्ध देवताओं के मंदिर और तीर्थ स्थान तथा राजधानी, क्योंकि हिमाचल में कई रियासतें रही हैं और उनकी राजधानियों में भी ब्राह्मण मिलते रहे हैं। बड़ी बड़ी राजधानियों तथा तीर्थ स्थानों पर ब्राह्मण मुख्यतः नव आगंतुक हैं, यानी वे वैदिक ब्राह्मण हैं। स्थानीय देवी देवताओं के मंदिर के आसपास रहने वाले ब्राह्मण स्थानीय हैं। इन स्थानीय ब्राह्मणों में भी जो प्रदेश के भीतर दुर्गम स्थानों में रहते हैं उनकी अपनी पृथक श्रेणियाँ हैं, यानी ये लोग खस और नाग जाति के ब्राह्मण हैं। यहाँ के ब्राह्मणों के भेदों और उपभेदों में भी जो सर्वोच्च है वे या तो ऋषियों के साथ यहाँ आए थे या नाग और खस ब्राह्मण हैं। यह भी कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के जो विस्थापित लोग यहाँ आए थे उनको यहाँ बसाते समय भगवान परशुराम और अन्य ऋषियों ने स्थानीय शासकों के साथ मिलकर उनको ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय वर्ग में शामिल कर लिया था।
यहाँ के जो नागर ब्राह्मण हैं वे मानसरोवर के निकट के प्राचीन निवासी थे और नागरकोट में आकर रहने लगे थे। नागरकोट प्रागैतिहासिक काल में इस क्षेत्र का सबसे बड़ा राजनीतिक केंद्र रहा है। त्रिगर्त यानी रावी, ब्यास और सतलज नद की तलहटी में स्थित जो क्षेत्र है जिसको त्रिगर्त कहा जाता रहा है, यह एक गणराज्य था और इसकी राजधानी और कभी उपराजधानी यह नागरकोट रहा है। आज के कांगड़ा को ही त्रिगर्त या नागरकोट कहा जाता है। इसी नागरकोट में तीन प्रकार के ब्राह्मणों का सम्मेलन हुआ था। एक तो मानसरोवर जैसे इलाकों से आए ब्राह्मण या नेता और दूसरे जो सामंत थे, दूसरे स्थानीय शासक और तीसरा आरंभिक वैदिक काल यानी ऋग्वेद के काल में सरस्वती और सिंधु क्षेत्र से आए जो आर्य लोग थे, इनका एक सम्मेलन यहाँ पे हुआ था। चूँकि इन वर्गों के लोग अपने समाज में सर्वोच्च थे, सम्मानित लोग थे, इसलिए इनको हर जगह सम्मान से देखा गया और ये इनके वंशज ही नागरकोटी ब्राह्मण कहलाते हैं। हिमाचल के नागरकोटी ब्राह्मण अपने को आपको दूसरों से श्रेष्ठ मानते हैं। इन्हीं के समान जो दूसरे ब्राह्मण अपने को सर्वोच्च घोषित करते हैं या मानते हैं सर्वश्रेष्ठ, वे अपने को भगवान परशुराम की बसाई बस्तियों के वासिंदे मानते हैं। ये अधिकतर गौड ब्राह्मण हैं। इसके अलावा हिमाचल में ब्राह्मणों का एक और वर्ग दिखता है जिसे नाग पुंडरीक या पुंडरी नाग कहते हैं। ये ब्राह्मण नाग देवताओं के पुजारी हैं और नाग ही इनके इष्ट देवता हैं। माना जाता है कि ये नागवंशी ब्राह्मण हैं और यहाँ के ब्राह्मणों में पारस्परिक उच्चता जांचने की एक कसौटी है और वह है खेती के प्रति दृष्टिकोण। खेती बाड़ी के काम से जो भी ब्राह्मण जितना दूर रहता है वह उसी हिसाब से अपने को उच्च मानता है। जो ब्राह्मण हल चलाते हैं वह एक दूसरे से या कुछ सीढ़ी नीचे गिर जाते हैं। यह कह सकते हैं कि हल चलाने वाले ब्राह्मण अपने को श्रेष्ठ मानते हैं जबकि हल चलाने वाले ब्राह्मणों से वे संबंध रोटी बेटी के नहीं बनाना चाहते। यही प्रथा गढ़वाल में भी रही है लेकिन अब वहाँ लगभग खत्म हो चुकी है, जबकि कुमाऊँ में भी ऐसे ही रहा है। वहाँ बड़ी धोती और छोटी धोती के ब्राह्मण कहे जाते हैं। इसी तरह गढ़वाल में सरोला, गंगाड़ी और दुमागी ब्राह्मण, तीन तरह के ब्राह्मण गढ़वाल में पाए जाते हैं। यानी हल छूने की जो भी परंपरा है, जो इस तरह के ब्राह्मण हैं उनको श्रेष्ठ नहीं माना जाता है, यह परंपरा पूरे हिमालय में देखी जाती है। हिमाचल के बहुत से ब्राह्मण खेती बाड़ी करते हैं, उनके खेत हैं, वे सामंत जैसे ही हैं और ये माना जाता है कि इन सामंत परिवारों को ये संभवतः नाग और खस थे जिनको कि ब्राह्मण वर्ग में शामिल कर लिया गया था। हिमाचल के यदि वैदिक ब्राह्मणों की बात करें तो ये मान्यता है कि दक्षिण भारत अयोध्या, गया, राजपुताना, कन्नौज, हरिद्वार, मायापुरी, सिंध और कश्मीर से आकर यहाँ ये ब्राह्मण बसे थे। कुछ लोग मुस्लिम सत्ता के आगमन के समय पर सामाजिक और राजनीतिक उथल पुथल जो भारत में थी उसके कारण हिमालय की तलहटी में शरण लेने पर मजबूर भी हुए थे। हालांकि अब यह सब कुछ भेद जो बड़े ब्राह्मण छोटे ब्राह्मण या हल लगाने वाली परंपराएं खत्म होती जा रही हैं, लेकिन मैंने जो भी कहा यह प्राचीन एक परंपरा का हिस्सा रहा है और उसी की बात मैंने यह की है। हालांकि अब दुनिया बदल दिया, समाज बदल रहा है और हिमाचल के ब्राह्मण भी दूसरी तरह क्षेत्रों के ब्राह्मणों की तरह बदलते जा रहे हैं। तो यह थी हिमाचल प्रदेश के ब्राह्मणों की गाथा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखिएगा। मिलता हूँ जल्दी नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।